तो आज के इस वीडियो हम देखने वाले लैपटॉप्स जो कि 2022 में ऑटो कैड के लिए काफ़ी अच्छे लैपटॉप्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग क्वेश्चंस हैं कि ऑटो कैड के लिए कौन से लैपटॉप्स अच्छे हो सकते हैं। लैपटॉप्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही अच्छे लैपटॉप्स हो सकते हैं, स्पेशली ऑटो कैड के लिए, जहाँ पे आप 2D मॉडलिंग या फिर 3D मॉडलिंग वगैरह कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें कि आपको ऑटो कैड के लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहली एंड फॉरमोस्ट थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑटो कैड के लिए, वो है CPU। तो CPU जो कि हमारा प्रोसेसर होता है, तो जो लीस्ट रिकमेंडेड जो CPU मैं रेकमेंड करता हूँ ऑटो कैड के लिए आपके पास में होना चाहिए, वो है कोर i5 प्रोसेसर, या फिर उसकी जगह पे आप Ryzen 5 प्रोसेसर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेसर्स हैं काफ़ी अच्छे प्रोसेसर्स होते हैं, एंड जो ऑटो कैड होता है वो CPU इंटेंसिव प्रोग्राम है, तो इसीलिए यहाँ पे CPU ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम ऑटो कैड के लिए कोई लैपटॉप को चूज़ करते हैं। तो इसीलिए जब भी आप एक लैपटॉप चूज़ करें, तो कोर i5 प्रोसेसर या फिर Ryzen 5 का प्रोसेसर आप देखिए, एटलीस्ट वहाँ पर होना चाहिए। अब कुछ लोगों का क्वेरी ये भी है कि क्या हम कोर i3 प्रोसेसर को यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ऑटो कैड के लिए। तो देखिए, कोर i3 प्रोसेसर वाला लैपटॉप भी आप यूज़ कर सकते हैं ऑटो कैड के लिए, अगर आप 2D मॉडलिंग कर रहे हैं तो, या फिर अगर आप उसके ऊपर मतलब कुछ कर रहे हैं, 2D मॉडलिंग के ऊपर कुछ कर रहे हैं, या फिर इंटेंसिव आप मॉडलिंग कर रहे हैं, देन आप कोर i3 यूज़ नहीं कर सकते। कोर i3 बिगिनर्स के लिए एंड जो लोग सीख रहे हैं या फिर जिनका सिंपलिस्टिक काम है, मतलब बहुत ही सिंपल काम कर रहे हैं ऑटो कैड में, तो उनके लिए अच्छा हो सकता है। अदरवाइज कोर i5 या फिर Ryzen 5 प्रोसेसर विल बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। नेक्स्ट दोस्तों, जो नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप ऑटो कैड के लिए कोई भी लैपटॉप परचेज करते हैं, वो है रैम। तो आपके पास में जो मिनिमम अमाउंट ऑफ रैम होना चाहिए वो 8GB ऑफ रैम होना चाहिए, देन टू हम आपको रेकमेंड करते हैं 16GB ऑफ रैम के साथ में अगर आप जाएंगे तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो इसीलिए आपको एटलीस्ट 8GB ऑफ रैम सेलेक्ट करना चाहिए, 8GB से नीचे आप बिल्कुल मत जाइए, बिकॉज वहाँ पे देन आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं मॉडलिंग करने में, 2D या 3D मॉडलिंग कुछ भी आप करिए, मतलब 3D तो होगा ही नहीं, बट 2D मॉडलिंग करने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं, फाइल्स ओपन करने में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं कि 8GB ऑफ रैम इज़ द मिनिमम, एंड अगर आप 16GB के साथ में जा सकते हैं देन दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। उसके बाद में दोस्तों, जो नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट होता है वो है GPU। अब GPU यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डाउट है कि क्या ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत होती है कि नहीं होती है। तो दोस्तों देखिए, ऑटो कैड में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, तो अगर आप 2D मॉडलिंग करते हैं, मतलब कि 2D अगर आप सिर्फ मॉडल्स क्रिएट करते हैं ऑटो कैड के अंदर, तो देन वहाँ पे एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड अगर आपके लैपटॉप में है देन वहाँ पे भी आपका काम चल सकता है। बट अगर आप 3D मॉडलिंग वगैरह करते हैं, थोड़ा सा इंटेंसिव वर्क फ्लो है आपका ऑटो कैड के अंदर, देन वहाँ पर मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपके पास में एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए, बिकॉज वो हेल्प करता है रेंडरिंग करने में, जो विजुअल्स होते हैं, जो इमेजेस होते हैं, उसको रेंडर करने में आपको हेल्प करता है, एंड थोड़ा सा फास्टर परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि आपके पास में लैपटॉप में डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए, अगर आप 3D मॉडलिंग वगैरह स्पेसिफिकली कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप 2D मॉडलिंग सिर्फ कर रहे हैं देन आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, आपका काम इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स से भी काम चल सकता है। तो दोस्तों देखिए, ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन की बात। अब चलिए बात करते हैं लैपटॉप्स के बारे में, कौन सा लैपटॉप्स 2022 में आपको रेकमेंड करूँगा जो कि बजट प्राइस में आपको मिल जाए। तो देखिए, हमने यहाँ पे ज़्यादा महंगा बजट नहीं सिलेक्ट किया, अराउंड 60-70,000 रुपीज़ का बजट है अगर आपका, तो वहाँ पर काफ़ी सारे लैपटॉप्स हैं जो कि अवेलेबल है, हमको सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट लैपटॉप जो कि मैं आपको रेकमेंड करूँगा, जो वन ऑफ द सबसे बेस्ट लैपटॉप हो सकता है इन कंसिडरेशन टू 2D मॉडलिंग एंड साथ में 3D मॉडलिंग के लिए भी, वो है लेनोवो का आइडियापैड गेमिंग 3 लैपटॉप, जो कि इंटेल कोर i5 10th जनरेशन ऑफ प्रोसेसर के साथ में आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आपको जो CPU मिल रहा है काफ़ी अच्छा मिला, कोर i5 प्रोसेसर मिला जो कि 10th जनरेशन का प्रोसेसर है। तो देखिए, अभी 12th जनरेशन प्रोसेसर आ चुके हैं, लेकिन देन तो ये प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा, अभी के टाइम में भी आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। साथ में आपको फुल HD डिस्प्ले मिलता है जो कि 120Hz का डिस्प्ले है। तो यहाँ पे जो आपको डिस्प्ले मिला वो भी काफ़ी अच्छा मिला, 15.6 इंच का डिस्प्ले, IPS डिस्प्ले, मतलब विविंग एंगल्स भी अच्छे होंगे यहाँ पे, एंड साथ में 8GB ऑफ रैम है, 512GB का SSD है, मतलब कि स्टोरेज भी जो है वो भी सफिशिएंट है, एंड रैम भी सफिशिएंट दिया गया, मतलब कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी हमारी वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है। उसी के साथ में यहाँ पे जो आपको नेक्स्ट थिंग मिलता है वो है GTX 1650 4GB का ग्राफिक्स कार्ड, जो कि एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है एंड जो आपके सभी के सभी वर्क फ्लोज को ईजिली हैंडल आउट कर सकता है। तो इसलिए ये लैपटॉप जो 53,990 रुपीज़ के प्राइसिंग में 54,000 रुपीज़ में आपको अमेज़न पे करेंटली मिलता है, ये वन ऑफ द सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आप ऑटो कैड के लिए एक लैपटॉप परचेस करना चाहते हैं। हालांकि जो लैपटॉप थोड़ा सा हैवियर साइड में है, 2.2 kg का वेट है, बट देन टू
अगर आपको स्पेसिफिकली हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप की ज़रूरत है ऑटो कैड के लिए, तो वन ऑफ द वेरी गुड लैपटॉप्स है एंड वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स मैं कह सकता हूँ 2022 में जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन होगा, अगर आपको परचेज करना है एक ऐसा लैपटॉप जो कि ऑटो कैड के लिए बेस्ट लैपटॉप हो सकता है, तो आप इस लैपटॉप साथ में जा सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ में कुछ और भी लैपटॉप जिसको मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। तो नेक्स्ट लैपटॉप जो है जिसको मैं शेयर करना चाहूँगा वो एसर एस्पायर 7 लैपटॉप। तो दोस्तों ये जो लैपटॉप है ये 10 जनरेशन ऑफ इंटेल कोर i5 प्रोसेसर साथ में वंस अगेन आता है। यहाँ पे भी आपको 15.6 इंच का डिस्प्ले मिलता है जो कि फुल HD IPS डिस्प्ले। यहाँ पे जो आपको रिफ्रेश रेट मिलता है 60 हर्ट्ज का ही है। साथ में 8GB ऑफ रैम, 512GB ऑफ SSD मिलता है, विंडोज 11 प्री इंस्टॉल मिल जाता है, 4GB ऑफ ग्राफिक्स कार्ड इसके अंदर भी आपको मिलता है जो कि GTX का 1650 ग्राफिक्स कार्ड है। तो दोस्तों सेम कॉन्फ़िगरेशन है बट यहाँ पर प्राइसिंग जो है 60,000 रुपीज़ है। एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो लेनोवो का बिल्ड क्वालिटी बेटर है एज़ कम्पेयर टू एसर एस्पायर 7। तो इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको लैपटॉप चूज़ करना है इन दोनों में से तो लेनोवो आइडिया पैड का जो लैपटॉप है वो बेटर लैपटॉप आपके लिए हो सकता है। अब दोस्तों इसके अलावा कुछ और भी लैपटॉप्स हैं जो कि स्लिम लैपटॉप्स हैं, जो कि थोड़े से लाइट वेट लैपटॉप्स हैं, ईजी टू कैरी लैपटॉप्स हैं, उनके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। एंड अगर आपको ज़्यादा 3D वर्क वगैरह नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 2D मॉडलिंग करनी है, तो उसके लिए भी आपको लैपटॉप बता देते हैं। तो सबसे पहला जो लैपटॉप है HP का 14S लैपटॉप जो कि AMD Ryzen 7 प्रोसेसर के साथ में आता है। 5700U प्रोसेसर आपको मिलता है इसके अंदर जो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो सकती है इसके अंदर। 8GB ऑफ रैम है, 512GB का SSD है एंड विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। तो दोस्तों 14 इंच का लैपटॉप है, इसके अंदर कोई भी ग्राफिक्स कार्ड आपको नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आप ऑटो कैड को इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं एंड अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जो यहाँ पे परफॉर्मेंस होगा अच्छा होगा 2D मॉडलिंग के लिए स्पेसिफिकली। 3D मॉडलिंग आप कर सकते हैं बट यहाँ पे परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि लेनोवो के आइडिया पैड गेमिंग 3 लैपटॉप में आपको मिल सकता है। एंड प्राइसिंग वाइज भी देखें तो ये थोड़ा सा महंगा है 1000 रुपये, ये 55,000 रुपीज़ का लैपटॉप है। लेनोवो का आइडिया पैड गेमिंग 3 जो लैपटॉप है वो 54,000 में ही आता है। तो यहाँ पे जो एडवांटेज है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का है कि आपको यहाँ पे लाइट वेट लैपटॉप मिल रहा है और CPU जो है वो थोड़ा सा बेटर है। CPU बेटर इस वजह से है कि यहाँ पे एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको मिल रहा है, वहाँ पे क्वाड कोर मिल रहा था, तो CPU उस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा बेटर आपको मिल जाता है। डिस्प्ले भी यहाँ पे अच्छा आपको मिल रहा है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है एसर एस्पायर 5 जो कि सेम कॉन्फ़िगरेशन साथ में आता है। राइजन 7 5700U प्रोसेसर है, यहाँ पे भी आपको जो डिस्प्ले मिला है वो 15.6 इंच का डिस्प्ले मिला, मतलब बड़ा डिस्प्ले आपको मिलता है। बाकी कॉन्फ़िगरेशन एक्जैक्टली सेम है, 8GB ऑफ रैम, 512GB ऑफ SSD, बैकलिट कीबोर्ड, विंडोज 10, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्री इंस्टॉल मिलता है। 62,000 रुपीज़ इसका प्राइसिंग है। तो थोड़ा सा महंगा है ये लैपटॉप बट देन टू अगर आपको चूज़ ही करना है 62,000 रुपीज़ में, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि उतना पैसा देने से अच्छा फिर किसी और जगह भी जा सकते हैं। बट देन टू ये लैपटॉप वन ऑफ द प्रेफरेबल लैपटॉप्स है, अगर आपको एसर के साथ में जाना है इनकेस, तो आप इस लैपटॉप को भी चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एसुस का लैपटॉप जो कि वीवो बुक 15 लैपटॉप है, तो यहाँ पे आपको 15.6 इंच का डिस्प्ले मिलता है जो कि कोर i7 प्रोसेसर के साथ में आता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो लैपटॉप है कोर i7 प्रोसेसर आपको मिल रहा है जो कि हेक्सा कोर प्रोसेसर है, साथ में 512GB का SSD है एंड 16GB का रैम है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस इस लैपटॉप में भी काफ़ी अच्छा हो सकता है बट यहाँ पे भी आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं मिलता है। इसका प्राइसिंग है 58,000 रुपीज़। नेक्स्ट जो लैपटॉप है लेनोवो का आइडिया पैड स्लिम 5 लैपटॉप है, जहाँ पे आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, राइजन 7 प्रोसेसर है एंड 8GB ऑफ रैम, 512GB ऑफ SSD, विंडोज 10, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड बैकलिट कीबोर्ड यहाँ भी आपको मिल जाता है फिंगरप्रिंट रीडर के साथ में। 68,000 रुपीज़ इसका प्राइसिंग है। तो इस लैपटॉप के साथ भी आप जा सकते हैं बट प्राइस पॉइंट थोड़ा ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो लीजन सीरीज भी एक बार चेकआउट कर सकते हो, बिकॉज वो भी सेम प्राइस के आसपास में आ जाता है एंड वहाँ पे आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड भी मिलता है। तो दोस्तों मैं इन लैपटॉप्स को आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये जो लैपटॉप्स हैं करेंटली यहाँ पे ये जो लैपटॉप्स हैं ये लाइट वेट लैपटॉप्स हैं, ये उन लोगों के लिए जो कि एक लाइट वेट लैपटॉप के साथ में जाना चाहते हैं, उनके लिए नहीं जो कि एक हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप साथ में जाना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं इन लैपटॉप्स को भी यहाँ पे एक बार बता दे रहा हूँ आप लोगों को। एंड साथ में एक और ऑप्शन हमारे पास में जो कि स्लिम 5 प्रो लैपटॉप है लेनोवो का, वहाँ पे भी आपको राइजन 7 5800U प्रोसेसर मिला जो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। डिस्प्ले इस लैपटॉप का जो है वो 2.2K रेजोल्यूशन का, मतलब क्वाड HD डिस्प्ले है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे डिस्प्ले आपको मिलता है। 100% sRGB कलर गैमेट के साथ में, 16GB का रैम है, 512GB ऑफ SSD है। तो दोस्तों वन ऑफ द वेरी गुड परफॉर्मेंस आपको ये लैपटॉप सर्व कर सकता है। 3 ईयर्स की वारंटी भी आपको मिलती है इस लैपटॉप में एंड 68,000 रुपीज़ इसका प्राइसिंग है। एंड नेक्स्ट वन लैपटॉप जो है जो कि मैं आपको रेकमेंड करूँगा वो है HP Pavilion 14 Ryzen 7 5700U के साथ में आता है। 16GB ऑफ रैम, 512GB ऑफ SSD
एंड इस लैपटॉप में आपको 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड भी मिलता है जो कि एनवीडिया का MX450 ग्राफिक्स कार्ड है। ये उतना पावरफुल नहीं है जितना कि GTX 1650 हमने देखा था गेमिंग 3 लैपटॉप में, तो ये उतना पावरफुल GPU नहीं है। लेकिन अगर आपको एक स्लिम लैपटॉप चाहिए, एक लाइट वेट लैपटॉप चाहिए जहाँ पे आपको साथ में ग्राफिक्स कार्ड मिल जाए, तो आप इस लैपटॉप को सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ में ये लैपटॉप जो है यहाँ इसमें आपको बैकलेट कीबोर्ड भी मिल जाता है एंड मेटल डिज़ाइन मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा ये लैपटॉप है 70,000 रुपीज़ में। तो अगर आपको चूज़ करना है तो आप इस लैपटॉप को भी चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे ओवर इन ऑल सभी रिकमेंडेशंस, एंड अगर आपको इसमें से कोई भी लैपटॉप परचेस करें इन सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड इन केस कोई और लैपटॉप है जो कि आप परचेस करना चाहते हैं एंड कन्फ्यूज हैं कि क्या ऑटो कैड के लिए लैपटॉप अच्छा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ भी सकते हैं, तो हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।